नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक। आज हम आपको दिखाएंगे बाइडेन ने अमेरिकी भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए चली कौन सी चाल, और बताएंगे क्यों चीनी हवा से डर रहा है उत्तर कोरिया। लेकिन शुरुआत दुनिया टॉप 10 से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पाले में लाने के जोर आजमाइश तेज। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने भारतीय मूल के लोगों को बताया अपने साथ, कहा राष्ट्रपति बने तो रिश्ते होंगे मजबूत। इसराइल के साथ समझौते के बाद ट्रंप ने सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की लिस्ट से किया बाहर। अमेरिका ने खोला सूडान की आर्थिक मदद निवेश का रास्ता। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में शामिल घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की। युद्ध में शामिल सैनिकों का बढ़ाया हौसला। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आए। चुनाव के समय से ही जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अल्फा कोंडे तीसरी बार बने राष्ट्रपति। नाइजीरिया में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ भड़की हिंसा में 51 नागरिकों 18 सुरक्षाकर्मियों की मौत। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने प्रदर्शनकारियों को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना में इजिप्ट में संसदीय चुनावों के लिए मतदान। राष्ट्रपति के समर्थकों ने सदन के बाहर भारी हुजूम के साथ किया हंगामा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,00,000 के पार। 11,51,000 से ज्यादा की मौत। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में बार मालिकों ने कोरोना कर्फ्यू का जमकर विरोध किया। सरकार पर गैर जरूरी सख्ती का आरोप लगाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से मॉस्को में प्रवेश के लिए QR सिस्टम लागू। 4,000 से ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केस आने की बड़ी चिंता। बॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी ने इंसेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम। इंसेक्ट फार्म का किया उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इन दिनों सभी की निगाहें अमेरिका के दो बड़े प्रांतों फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया पर टिक गई हैं। यही वजह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया में रैलियां कर रहे हैं। अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में जीत का दावा करने के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में भी रैली की और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन पर अमेरिका की छवि खराब करने का आरोप लगाया। पहले की तमाम रैलियों की तरह ट्रंप यहां भी बिना मास्क के लोगों के सामने आए। हालांकि इस रैली में लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। ट्रंप की रैली में समर्थक भी काफी जोश में नजर आए। अमेरिका में व्हाइट हाउस का रास्ता फ्लोरिडा से ही जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले लगभग हर प्रत्याशी ने फ्लोरिडा में जीत दर्ज की है। इसीलिए व्हाइट हाउस पर दोबारा कब्जा करने के लिए ट्रंप को फ्लोरिडा में जीत हासिल करनी होगी। साल 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत हासिल की थी। उनको ये जीत इस बार भी दोहरानी होगी। यही वजह है कि ट्रंप कोरोना से ठीक होने के बाद लगातार फ्लोरिडा के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट पाम बीच में वोट डाला और कहा कि उन्होंने ट्रंप नाम के व्यक्ति को वोट किया। वेस्ट पाम बीच ट्रंप के निजी मार-ए-लागो क्लब के बिल्कुल नजदीक है। पहले वो न्यूयॉर्क में मतदान किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वेस्ट पाम बीच में ही वोट डाला। ट्रंप ने जिस लाइब्रेरी बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया उसके बाहर काफी तादाद में उनके समर्थक जुटे। ट्रंप ने मतदान के दौरान मास्क पहन रखा था, लेकिन मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने इसे उतार दिया। जो बाइडेन ने अभी तक मतदान नहीं किया है और संभावना है कि वो चुनाव के लिए दिन डेलवेयर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। डेलवेयर में फ्लोरिडा की तरह पहले मतदान की सुविधा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक दूसरे पर जुबानी हमला तो कर ही रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक आर्टिकल के जरिए न सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप और बाइडेन ने एक दूसरे पर पलटवार तो किया ही। अब बाइडेन ने जुबानी जंग से अलग एक आर्टिकल के जरिए न सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की बल्कि प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमला भी बोला। जो बाइडेन ने एक लेख के जरिए मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में भारतीय अमेरिकियों पर अत्याचार हुए। इसके अलावा बाइडेन ने इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का भी जिक्र किया है। उन्होंने हैरिस के भारतीय मूल होने पर खास जोर दिया है। लेख में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने चीन के साथ भारत के रुख और उपमहाद्वीप में आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बाइडेन इस लेख के जरिए भारतीय अमेरिकी वोटर्स के बीच में अपनी पहुंच बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले ट्रंप भी अपनी रैलियों में भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे कर चुके हैं। अमेरिकी चुनाव में भारतीय वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता भारतीय वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज तक दुनिया भर में हर रोज कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक दिन में करीब 4,90,000 लोग संक्रमित हुए। इस बीच WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमण को लेकर फिर से चेतावनी जारी की और कहा कि अगले कुछ और महीनों में कोरोना से स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। वैश्विक महामारी को लेकर जैसा अंदेशा जताया जा रहा था वैसा ही हो रहा है। एक बार फिर दुनिया के कई देश खतरनाक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि कई देशों में संक्रमितों की संख्या ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा खतरा यूरोपीय देशों में है, जिसको देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम जैसे कई देशों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। हालांकि ये लॉकडाउन पहले की तरह सख्त नहीं है, लेकिन नए प्रतिबंधों से एक बार फिर लोग मुश्किल में आ गए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेसिस ने शुक्रवार को COVID-19 के हालात को लेकर फिर से चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में वैश्विक महामारी के हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। टेड्रोस ने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक मौतों को रोकने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के ध्वस्त होने और स्कूलों को फिर से बंद होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। WHO का ये बयान उस समय में आया है जब अमेरिका में 23 अक्टूबर को 84,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई और दुनिया भर में करीब 4,90,000 लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आए हैं। आज तक ब्यूरो दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक। अफवाह के लिए कोई भी आप देखते रहिए आज तक।